नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऐसे उपाय के बारे में जिससे आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। जिन चीज़ों को पाने के लिए आप तरस रहे थे वो आपको मिलेंगी। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे उपाय के बारे में जिससे आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा। जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं और आप जिनके लिए तरस रहे हैं वो आपको अवश्य मिलेंगी। हर व्यक्ति को जीवन में बहुत सी चीज़ें पाने की लालसा होती है, जैसे अच्छा घर, गाड़ी, अच्छे वस्त्र, धन और भी कई सारी चीज़ें वह पाना चाहता है। इन सब चीज़ों को पाने के लिए मनुष्य कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे कि नौकरी, व्यापार इत्यादि, जिससे कि उसको धन की प्राप्ति हो सके और उसे दुनिया की सभी चीज़ें और ऐशो आराम मिल सके। आज मैं आपको ऐसा ही एक उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। जैसे अगर आपके घर में कुल देवी और देवता की पूजा होती है या प्रतिदिन आप उनकी पूजा करते हैं तो ही आपका कार्य सफल हो सकता है। एक दिन या कुछ घंटों की पूजा से यह कार्य सफल नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं पूजा नहीं करता, फिर भी मुझे सब प्रकार का आशीर्वाद चाहिए। ऐसा नहीं होता, इस प्रकार से आपको भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और आपको श्रद्धा और विश्वास भी रखना पड़ेगा। अगर आपकी कुल देवी या कुल देवता हैं तो बहुत अच्छी बात है और आप उनकी पूजा करते हैं तो और भी अच्छी बात है। या अगर आपके कुल देवी या कुल देवता हैं लेकिन आपको उनके बारे में नहीं पता तो आपको उनके बारे में पता करना चाहिए। या अगर आपके इष्ट देव हैं जिनके समक्ष आप प्रतिदिन धूप दीपक जलाते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाज़ार में आप पीला कागज़ लेकर आ जाएं। किसी भी दुकान पर आपको पीला कागज़ मिल जाएगा, जो स्टेशनरी होती हैं वहाँ पर आपको आसानी से पीले रंग का कागज़ मिल जाएगा। साथ ही आप एक लाल कलर का पेन भी लेकर आएं, जिसकी स्याही लाल कलर की हो। उस पीले कागज़ पर आप इस अंक को लिखें, यह अंक है 4 2 1 7 0। इस अंक को दोबारा सुनिएगा, 4 2 1 7 0। इसे लिखें, लाल रंग की स्याही का आपको उपयोग करना है। इस कागज़ को आप शुक्रवार के दिन शुक्र होरा के द्वारा इस कागज़ को कुल देवी के नीचे चिपका दें। पहले तो आप शुक्रवार के दिन इस कागज़ पे शुक्र होरा के दौरान ये लिख लें और फिर इस कागज़ को आप कुल देवी या कुल देवता के नीचे, जहाँ पर भी आपने उनको विराजमान कर रखा है, वहाँ पर इसे चिपका दें। जहाँ पर भी आपने अपने इष्ट देव कुल देवता को रखा है, जैसे मंदिर में रखा है या फिर किसी अन्य स्थान पर रखा है, जहाँ आपने घर में उनका स्थान बना के रखा है, वहाँ रख दें, उनके नीचे रख दें। ज़रूरी नहीं है कि कुल देवी या कुल देवता ही हो, आप अपने इष्ट के समक्ष भी इसे रख सकते हैं। अब अगर आपके मन में यह प्रश्न है कि इस नंबर से क्या होगा, तो यह नंबर मनचाही वस्तु को दिलाने वाला नंबर होता है। अगर कई समय से आप कुछ मांग रहे हैं या किसी चीज़ की चाह रख रहे हैं और आपको वह चीज़ नहीं मिल पा रही है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। यह नंबर लगाते ही धूप दीप करें, इसके बाद आप जो भी चाहते हैं वह बोल दें और उसे 3 बार दोहराएं और आपको भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दिन में कम से कम 1 बार भगवान के समक्ष धूप दीप अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप दोनों समय ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले एक ही चीज़ को मांगना है, जब वह मनोकामना पूर्ण हो जाए फिर दूसरी चीज़ की इच्छा रखें और उसे भगवान के सामने मांगें। एक ही साथ सारी चीज़ें नहीं मांगना है, ऐसा करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको सभी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यह एक चमत्कारी नंबर है, इस पर विश्वास करें और फिर इसका उपयोग करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यह आसान सा उपाय है लेकिन विधि पूर्वक इसे करना आवश्यक है।
मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।